ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद फर्दर जो दूसरी रिएक्शंस होती हैं उनमें से सबसे पहली है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है, इनमें क्या होता है, एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर उसमें से एक किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो देख लेते हैं हम दोज रिएक्शन इन विच एनी एलिमेंट गेन्स द ऑक्सीजन और एनी एलिमेंट लूजेस इट्स हाइड्रोजन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन हम दोज रिएक्शन रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। मतलब ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर ऐसा हो कि हाइड्रोजन का लॉस हो, रिमूवल हो। आगे देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में देखिए हमने क्या लिया है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। अब इस केस में क्या होगा, ये जो कॉपर पाउडर है सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको हम हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक सी कोटिंग आ जाती है। वो जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की। तो दैट मींस यहाँ देखिए कॉपर के पास क्या आ गया है, अब ऑक्सीजन आ गया है। तो दैट मींस इसमें क्या हुआ है, कॉपर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अब इसके बाद H2S plus Cl2 gives HCl plus S। अब इस केस में क्या होगा, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। तो बेसिकली ये भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऐसे ही जिंक प्लस ऑक्सीजन gives ZnO। अब जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, जिंक ऑक्साइड बन गया है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ऐसे ही अगर हम HCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, Cl2 और H2 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कि भाई हमें क्या पता चलेगा कि क्लोरीन था पहले, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था लेकिन अब लॉस हो गया है हाइड्रोजन का। तो दैट मींस इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।